तो आज फिर से बात कर लेते हैं एक बार जो भर्ती नियम है उनको लेकर के, क्योंकि काफ़ी चेंज हो रहा है लगातार। मैं आपको बताता रहता हूँ इसके बारे में, और ये काफ़ी चेंजेस ऐसे हैं जो आपकी जानकारी में होनी चाहिए। फिलहाल बात कर रहे हैं हम यहाँ जो नए भर्ती रूल सब लागू होने वाले हैं और राजस्थान स्टेट में। तो राजस्थान स्टेट के जो भी भाई बहन हैं लगातार मेरे साथ बने रहे, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूँ आपका दोस्त नितेश। फिलहाल ऑफिस में हूँ, बैकग्राउंड पर ना जाएं क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिस है तो इसी तरीके के रहते हैं। तो यहाँ राजस्थान गवर्नमेंट ने कैबिनेट में एक प्रस्ताव लिया लेट नाइट, जिसके बारे में आज टोटली सब जगह चर्चा भी है, और मुझे लगता है कि एक बार यहाँ भी अपने को चर्चा करनी चाहिए इस वीडियो में। तो सबसे बड़ी बात तो ये आ रही है कि अभी तक होता क्या था कि एक जैसे कैडर वाली या फिर एक जैसी योग्यता वाली जितनी भी परीक्षाएं थी उन सबके लिए आपको अलग अलग आवेदन करने पड़ते थे, अलग अलग फॉर्म भरने पड़ते थे, अलग अलग विजिट्स करनी पड़ती थी, फीस भी अलग अलग जमा होती थी। तो सबसे बड़ा जो चेंज है वो यही देखने को मिल रहा है कि अब जितनी भी आपकी भर्ती परीक्षाएं होंगी समान, जिसमें योग्यता है आपकी समान पात्रता है, तो उनके लिए एक ही भर्ती परीक्षा आयोजित की जाएगी। कुल मिला के देखा जाए तो मान लीजिए 12th पास जिस एग्जाम का बेस है, अब जिस तरह आप देख लीजिए पटवारी है या BDO है या मंत्रालयिक कर्मचारी है, इन सब के लिए शैक्षणिक योग्यता एक होती है, लेकिन एग्जाम अलग अलग होते हैं। तो अभी एग्जाम अलग अलग होंगे, यानी कि समान पात्रता वाली परीक्षाओं के लिए अब एक ही परीक्षा होगी। फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा कि आपको फॉर्म एक भरना पड़ेगा, फायदा ये होगा कि आपकी फीस एक बार लगेगी, फायदा ये होगा कि आपको जो आप विजिट करते हैं बार बार, अभी मान लीजिए 3 एग्जाम के लिए विजिट आपको 3 बार तो कम से कम करनी पड़ेगी, तो अब वो आपको केवल एक ही बार करनी पड़ेगी, ये होने जा रहा है। अब इसके अलावा एक चेंज और है जो मैं आपको बता देता हूँ कि अब सरकार इसमें राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा नियम जो है 2022 के, उनको भी चेंज करेगी। तो ये भी एक बार आपको देख लेना, क्योंकि ये जब नियम चेंज होंगे तो इसका मतलब ये कि बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। हाँ एक चीज़ और है, ये जो चेंज हो रहा है ये तो ठीक है, लेकिन अभी तक प्रॉब्लम क्या आ रही थी, जो भ्रष्टाचार की गुंजाइश थी वो कहाँ होती थी? वो होती थी इंटरव्यू में। तो ऐसी सर्विस को अलग किया जा रहा है जिसमें इंटरव्यू की जरूरत ना हो। RPSC की बात करें तो वहाँ इंटरव्यू हो सकता है जो ऐसे कैडर की एग्जाम्स है उनके लिए, लेकिन जहाँ साक्षात्कार की जरूरत नहीं है सरकार वहाँ साक्षात्कार खत्म करने जा रही है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा बड़ा चेंज है। दूसरी बात करें संवाद कौशल वाले पद, कुछ पद ऐसे होते हैं जिसमें आपके बोलने का एक्सपीरियंस, आपके बोलने की कला, यानी कि संवाद कौशल देखा जाता है, तो वहाँ आपको वेटेज मिलेगा, और जो वेटेज है वो अधिकतम आपको 10% रखा जाएगा, आपके भारांक का कुल 10% वहाँ रखने का चल रहा है। तो ये तीन चीज हैं जो नई थी, मुझे आपसे शेयर करनी थी राजस्थान में भर्ती को लेकर के। पहली ये कि समान पात्रता वाली परीक्षाओं के लिए अब एग्जाम अलग अलग नहीं होगा। दूसरी चीज ये है कि साक्षात्कार जहाँ जरूरी होगा वहीं रखा जाएगा, बाकी जगह साक्षात्कार हटा दिया जाएगा। तीसरी चीज ये कि अब जो संवाद कौशल वाले एग्जाम्स हैं आपके, संवाद कौशल वाली जो परीक्षाएं हैं आपकी, उनमें भी चेंज हुआ है, और उनमें आपको 10% भारांक दिया जाएगा। तो ये चेंजेस थे। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।